स्टार स्टॉप और आज कल के जो इस समय के वर्तमान के द करंट टाइम्स स्टार दर्शन कुमार द कश्मीर फाइल्स हैज गॉन देयर एंड दर्शन के सितारे हैव गॉन देयर ब्रदर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई कांग्रेचुलेशंस बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं फ्राइडे को शुरू नहीं हुई थी शायद आपकी जी कौन से दिन पर शुरू हुई थी आज बहुत सारी बातें करनी बट कौन से दिन पर ऐसा लगा था अरे यार ये तो सडनली बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली जो फ्राइडे को नंबर्स आए उसके बाद से शुरू हो गया था क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था हाँ। इस फिल्म को किसी ने मार्केट नहीं किया हाँ। किसी ने मार्केटिंग uh, के वक्त सपोर्ट नहीं किया तो लोगों को उम्मीद थी ठीक है छोटा मोटा कुछ नंबर आएगा तो हमारे डायरेक्टर साहब भी सरप्राइज थे हम भी हाँ। तो नंबर आया और जो सेकेंड डे जब जम्प किया है हाँ। हाँ। जो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा तीन से आठ गया था तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था हाँ. तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग था सबके लिए और फिर वो नंबर्स बढ़ते ही चले गए जो वीक के टाइम तो भैया तो को ये भी बताना चाहता हूँ एक्चुअली ये हो जाएगा यार जी. कमाल की बात हो जाएगी जी हाँ और ये फिल्म इसलिए मेरे बहुत दिल के पास है क्योंकि ये रियल स्टोरी है, है। और उन पीड़ित लोगों पर है जो 32 साल से न्याय मांग रहे थे और उन्हें आज तक नहीं मिला मुझे लगता है ये इसका हिट होने का मेन रीज़न वही है कि उनकी दुआएं क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका से जब हमने स्पेशल शोज रखे थे मैं जा नहीं पाया था वहाँ पर क्योंकि मैं आश्रम की शूटिंग कर रहा था लेकिन मुझे वहाँ से फ़ोन आ रहे थे वो फिल्म देखने के बाद मिथुन दाह भी वहीं से फ़ोन किया था उन्होंने बहुत तारीफ़ की पहली बार फिल्म उन्होंने वहीं देखी थी तो दुआएँ वहीं से मिलनी स्टार्ट हो गई थी और फिर अभी आपने वीडियोस भी देखे होंगे कैसे लोग फिल्म देखने के बाद गले लगा रहे हैं और correct, correct. दुआएं दे रहे हैं कि आप जिंदगी में बहुत तरक्की करो तो शायद वो दुआओं का ही असर है और लोगों के प्यार का असर है कि फिल्म इस तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर रही है कॉन्वर्जेशन स्टार्टर तो बनी गया आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत में ये हो जाती है हम लोग बात करना नहीं चाहते हैं ऑफ पीपल लाइक टू जस्ट चाहतेट रियलिटी एंड वॉच अ सिनेमा बट अ दर्स ऑफ न्यू काइंड ऑफ पीपल दैट दैट आर टू टू वॉच सिनेमा नो द पीपलिटी जी लेकिन रियालिटी तुम्हारी भी पिछले तीन साल में अनबिलीवेबल है ब्रदर मतलब जहाँ लोग की गाड़ी बंद हो गई थी और करोना का बहुत मुश्किल समय रहा था आश्रम बॉबी दियोल जब यहाँ आए थे उन्होंने मेरे को बोला उनके भाई ने बोला कि अगर पिताजी के लिए शोले थी मेरे लिए गदर थी तुम्हारे लिए आश्रम है पिक्चर का नाम नहीं लिया उन्होंने उन्होंने कहा कि इस आश्रम जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी चेंज हुई है आज यहाँ स्टूडियो में जो भी बैठे हैं शायद उन्होंने जेंटलमैन मेरी कॉम ना देखी हो

और रियल लाइफ में हम प्रॉब्लम से भाग जाते हैं पर वो स्क्रीन पर या टीवी पर उसका आंसर देखना चाहते हैं तो थैंक्स टू देम और चीज़ें चेंज चीज़ हो गई है आश्रम के बाद तो अगर मैं सच कहूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में जो भी कॉप का रोल है <laughs> वो मेरे पास आ रहा है सो so, मैं ये ब्लेसिंग ही मानता हूँ यू यू ऑल्सो है लाइन वगैरह ये सब है ना तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है मतलब इस पिक्चर में जितना मैंने तुम्हें सॉफ्ट देखा इन द फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं देखा था आपको ऐसे मैं ऑलवेज एक एक हार्ड रोल मतलब इवन इन मेरी कॉम जब आप प्रियंका के साथ थे एक बहुत अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड का जो रोल कर रहे इन दैट आल्सो वो क्लासिक जो लुक्स होती, हो hmm. होती है उसमें ना कहते हैं इनोसेंस मुश्किल हो जाता है है ये फाइट होती आपके लिए टू प्रूव टू पीपल की मैं इनोसेंट अलग भी लग सकता हूं क्योंकि जैसे मुझे लोग देखते तो ये शायद बोलते भाई आप जिस तरह आ रहे हो मैंने कहा ऐसे क्यों आप क्यों बोल रहे हो आप भी तो बोल सकते हो ऐसे कहते आपका ऐसा वो पर्सनलिटी नहीं दिखती hmm. ये आपके अगेंस्ट गया है क्या कई बार नहीं थैंक गॉड ऐसा नहीं गया और आपकी पर्सनैलिटी है इतनी नहीं नहीं, वैसा नहीं, नहीं, नहीं है। है। आपके भी मसल उतने ही है <laughs> <Thank you. laughs> लेकिन लोग लो का ये yeah. क्यों लेकिन हो जाता है जी. ये जो ढांचे में लोगों को डाल देते हैं इससे फाइट कैसे करते हैं अक्टर्स? बहुत टफ है क्योंकि मेरे लिए यही रहा जब मैंने मैरी कॉम की तो एक अच्छे हस्बैंड के रोल आने लगे अच्छे फ्रेंड के या फिर एक सीधा साधा लड़का और जब मैंने एनेस्टेन की तो फिर विलन्स की तो भरमार लग गई और सरबजीत के बाद फिर डिसेंट कैरेक्टर काइंड ऑफ लेकिन मैंने वही एक जंग रही मेरी कि ना बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मुझे लगता है अगर मैं एज एन एक्टर मुझे किक नहीं मिलती किसी चीज़ से किसी रोल को देखकर या फिल्म को देखकर तो मैं उस फिल्म के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा उस रोल के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा और ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है सो so, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि सर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा कर चुका हूँ तो कुछ चैलेंजिंग हो तो आप बताइएगा तो मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन बहुत सारे ए लिस्टेड डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मैं मुझे बुलाया एक कैरेक्टर रोल के लिए था लेकिन तीन चार स्क्रिप्ट सुनाने लगे बताने लगे कि ये हम तुम्हें एज ए लीड लेना चाहते हैं लेकिन प्रोड्यूसर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको नंबर्स चाहिए बॉक्स ऑफिस पर hmm. तो आई थिंक शायद इस दिन के बाद आ... कुछ बदल जाए और बदलने लगा है मुझे ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं यू नो आई थिंक सबसे बड़ा चेंज ये एक एक्टर के लिए हो जाता है अब अब ठीक है अभी सक्सेसफुल आपके लिए हो गया बट जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी डिड यू रियली थिंक यार ये मुझे ऑफर हो गई ये वाला ऐसे होता ना कई बार जी जी वो सरप्राइज़ था आपके लिए अभी तो वापस टर्न बैक करके देखना बहुत आसान है जी 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 बट वो यू शौक पहले आपको ऑफर हुई दूसरी आपने कर दी शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जैसे स्टार्टिंग में कि लोग जी, देखेंगे जी जी सच कहूँ जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो रही थी अभी तक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुँ. अभी तक किसी ने ऐसा पूछा नहीं जब अनाउंसमेंट हुई थी कि कश्मीर फाइल्स बनने वाली है और लीड के लिए वो कैरेक्टर लीड रोल के लिए वो ढूंढ रहे हैं एक्टर तो मुझे सबसे पहले ये आया था कि मेरे पास ये फिल्म क्यों नहीं आई कि क्योंकि ये कंटेंट ओरिएंटेड होगी रियल रियल सिनेमा है रियल स्टोरी पर है okay. तो ये शायद मेरे पास आनी चाहिए तो तब तक वो किसी और को कास्ट कर चुके थे या उनकी बात चल रही थी फिर कोरोना की वजह से फिल्म डिले हो गई अच्छा okay. और फिर उनको किस, आ, सर ने आ, मेरी एन एस टेन फिल्म देखी अच्छा और शायद मेरे नसीब में थी कि उनको परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने कॉल किया कि मुझे दर्शन ही चाहिए तो कृष्णा ये, ये तो पंडित बनेगा ये लीड करेगा और उन्होंने पहले मुझे यही बताया मिलते ही कि मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी कमाल की परफॉर्मेंस लगी एन की तो एन के कारण मुझे रोल मिला अनुष्का कंग्रेचुलेशन आज इतिहास रचा जा रहा है

Uh, जाति मामलों में बहुत उलझ जाते हैं जी। फिल्म, सिनेमा, एक्टर्स, ए व्यूअर। आई जस्ट इंटेलिजेंट आदमी है उनका बड़ा वो रिसर्च बेस्ड बहुत रहता है बिल्कुल तो जब आप उनसे मिले थे जी, बहुत स्मार्ट डायरेक्टर uh, हैं और वैसे ही पल्लवी जी बहुत uh, स्मार्ट प्रोड्यूसर बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं वो कमाल रहा कि जब मैं उनसे पहली बार मिला ऑफिस में जाकर तो उन्होंने कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं और उन्होंने वीडियोस चलाए मेरे सामने जो उन्होंने 700 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ पूरे वर्ल्ड में घूमकर जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ या भाई बहन के साथ क्या हुआ मैं वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो नेशनल टी पर अच्छा नहीं लगता पर बहुत कुछ हुआ तो वो दिखाए Uh, मतलब मैं वर्ड्स नहीं अभी मैं थोड़ा सा याद करके मुझे हो रहा है कि मैं बिलीव नहीं कर पाया कि मैं एज एन एक्टर अवेयर रहना चाहता हूँ हर चीज़ से कि मेरे पास क्या घट रहा है ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आई थी करेक्ट करेक्ट और फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो जो मैंने टीवी पर देख जो उन वीडियोस में देखा था वही स्क्रिप्ट के अंदर था करेक्ट उन्हीं के मुंह से कहे गए एक एक वाक्य इस स्क्रिप्ट में लिखे गए करेक्ट मैंने देखा था वो यस जी तो उनकी ये चार साल की रिसर्च थी बट यू नो इट इज अ वेरी डिवाइडिंग फिल्म

तुमने मुझे बताया कि तुमने इसको ऐसे किया जी। जी। ये ये बहुत अलग हो गया। और सबसे बड़ी एक criticism कह सकते कि censor board did not censor this film. जी। तो जब आप ये ये कर रहे थे, आपको ऐसा लगा नहीं मैंने कि यार ये तो बड़ी डायरेक्ट हो रही है पिक्चर। ऐसा लगा कि ऑडियंस रिएक्ट एक्चुअली मुझे यही खूबी लगी फिल्म की कि ब्लैक को ब्लैक दिखाया गया वाइट को वाइट दिखाया गया hmm. क्यों, और जो जो आप, आप अगर आप सेंसर की बात कर रहे हैं तो विवेक जी ने जब उनके सामने जब उनको रखा गया कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इसमें ये हो सकती है तो उन्होंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट रख दिए सामने अच्छा आप अगर एक एक डायलॉग देखेंगे जी। जो यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लग रहे हैं या जो पल्लवी जी यूनिवर्सिटी के अंदर बोल रही हैं या जो मैं बोल रहा हूँ वो पब्लिक डोमेन में है करेक्ट मैंने देखे सारे इसलिए रील और रियल ट्रेंड हो रहा है तो बहुत श्योर थे कि ऑडियंस को सच्चाई दिखानी बहुत जरूरी है hmm. और ये एक हाईली स्मार्ट इंटेलिजेंट डायरेक्टर की खूबी ब्रिलियंट एंड इट्स वर्क वेरी वेल सी दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ नैरेटिव दैट अब वर्क वेरी वेल एंड आई थिंक दर्शन का जो कैरेक्टर इट वॉज नॉट अ पर्सन इट रिप्रेजेंटेड इंडिया इंडिया की सोच और तभी जब एक आदमी बाय द वे लास्ट में जाके एक अलग पिक्चर शूट करता है दर्शन की लास्ट की जो पंद्रह मिनट का जो मोनोलॉग था इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल और आज जब इस मुकाम पर पहुंच गए अच्छा इतिहास में जो लिखा गया है, जैसे क्रिकेट में होता है, एक बार आपने दो सौ या तीन सौ मार दिया ये अब पन्नो में जा चुका है इसको हटा को ही नहीं सकता तो अब ये तीन सौ करोड़ तो आराम से बनेंगे चार सौ अगर बन गए तो ये टॉप ऑफ द ट्री पे बैठे रहेंगे फिर बाहुबली का जैसे नाम लेंगे तो वैसे इनका भी नाम लेंगे ये बैक विद मी सनी ऑन स्टार स्टॉप इन वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म्स मेरे 22 साल की फिल्म व्यूइंग करियर में आई बीन वाचिंग सिनेमा फॉर 130 40 इयर्स आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ दिस काइंड ऑफ क्रेज इन द थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक ऑफ अ फिल्म आई सॉ बाहुबली द फर्स्ट डे आई हैव सीन बाहुबली 2 आई वाज पार्ट ऑफ आशिकी 2 दैट मेड एज मच मनी 12 टाइम्स आई हैव सीन tanu wads manu all these films आई थी, जो इतना पैसा लेकिन मैंने कभी भी इतनी चर्चित फिल्म जिंदगी में नहीं देखी है लोगों का फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन क्या हुआ मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता mm. मैं जिस जगह भी जा रहा हूं लोग स्टैंडिंग ओवेश दे रहे हैं। mm. गले लगाते हैं रो पढ़ते हैं कि थैंक यू इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए पैरों में गिरने लगते हैं मैं मैं कहता हूँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और जो ब्लेसिंग्स मिल रही वो तो मैं मतलब

सही है कि नहीं बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना they are not ready जब वो वो नहीं, stardom, सच कहूं तो नहीं। hmm. मुझे तो अभी तक तो ये सब हजम ही नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है hmm. पहली फिल्म से मतलब बाई गॉड्स ग्रेस तब मुझे मेरे काम को सराहाया गया हमेशा मुझे लोगों ने भी सपोर्ट किया इवन ऑडियंस के जितने मेरे फैंस हैं फैंस तो मैं नहीं कहूँगा एंजल्स कहता हूँ मैं उनको कि वो जब भी लिखते थे कहते थे आप लीड के लिए बने हैं आप फिल्म को आप अपने कंधों पे उठा सकते हैं तो वो हमेशा मुझे इस तरह से सपोर्ट करते थे मैं सिर्फ काम में काम में बिलीव करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि उसको सिर्फ जी जाऊं तो वही मैं अगर मुझे इस तरह का जो मिलेगा आगे काम आएगा सिर्फ मैं कैरेक्टर पे काम करूँगा या जो मैं जो जो रोल मिलेगा उस पर फोकस करूँगा उसके अलावा मैं चाहता नहीं हूँ कि <laughs> इस तरह का कि मतलब मैं अपने पीछे बैकग्राउंड या पीछे सोच कर जाऊँ कि ऐसा है पर हाँ ये मैं सर आँखों पर रखता हूँ ये प्यार और ये इस दिन के लिए ही शायद हर एक्टर इतनी मेहनत करता है बिल्कुल एंड यू नो क्रिटिकल एक्लेम एंड कमर्शियल एक्लेम दोनों लाना बड़ा मुश्किल होता है अब बड़े से बड़े स्टार्स ने मुझे बताया कि कई बार क्या होता है कमर्शियल में एक बार ही घुस जाते हैं एंड देन दे रियलाइज कि It's important to to make films for the the people. Then it becomes very difficult. Let's come to the most difficult part in this film. World thinks it's your monologue. और मुझे याद है कि रोनित मेरे फादर का भी रोल प्ले कर चुके हैं मैं बहुत अच्छे तरह उनको जानता हूं उन्होंने बोला था कि इस डायलॉग से पहले ये माना जाता था सिर्फ ए लिस्ट एक्टर्स जो है yeah. वो मोनोलॉग दे सकते हैं या फिर जो एक लेवल के माने जाते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम डिफरेंट एक्टर हाँ I, I जो की observation और जो बिल्कुल सही है मुझे शत्रुगे तो बट ये जो परिवर्तन आया फिर आपको जो सौंपा गया इसकी स्टोरी जरूर हम इसमें बिल्कुल जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी पहली बार तो मैंने ये स्टार्ट किया पढ़ना तेरह पेज का ये मोनोलॉग है और मैं सिर्फ उसको पढ़ता गया कि हमारा देश इतना महान है इसकी संस्कृति इतनी महान है और हमें पता ही नहीं था तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर आ गई है क्योंकि ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ये बातें उनको जाननी बहुत ज़रूरी हैं तो मैं सर से मिलने गया रीडिंग के बाद और जब उनको बताना था कि मैं फिल्म के लिए रेडी हूँ तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि मुझे तुम चाहिए थे और तुम मुझे मेरा कृष्णा पंडित मिल गया सो so, मैंने कहा सर मैं इसको वन टेक में करना चाहता हूँ उनको <laughs> यकीन नहीं हुआ करेक्ट उन्होंने कहा मुझे पता है तुम एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर बट <laughs> uh, मैं इसको दो या तीन दिन में शूट करूँगा रखे हैं मैंने क्योंकि हमारा क्लाइमैक्स है हमारा हीरो बोल रहा है और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को तक जानी तो ये हम आराम से शूट करेंगे आप इसको पैराग्राफ में और या एक एक पैचेस में ले लो उसके हिसाब से मैं शूट करता रहूँगा अलग अलग एंगल से तो अच्छा लगेगा पर मुझे डर था कि फ्लोट टूट जाएगा मुझे लगा था कि वो मैकेनिकल हो जाएगा शूटिंग तक चलता रहा लास्ट का वन वीक बचा था शूट का तो तब तक मैं एज ए कृष्णा पंडित सारा हाँ। क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी बनाई थी एज एन एक्टर उस पर कैसे बचपन से उस पर क्या क्या बीता फैमिली से क्या सुनने को मिला Uh, अपना कॉलेज में क्या सुनने को मिला तो वो सब बैकग्राउंड रखते रखते अपने मिथुन दा ने कुछ अलग स्टोरी बताई वो सब मैंने रखा और मैंने हज़ार तरीक़ों से सोचा था कि मैं इस मोनोलॉग को करूँगा क्योंकि एज एन एक्टर मैं चाहता था कि लोग ये ना कहें कि वे भाषण दे रहे हैं hmm. और अपना फ़ोन उठा के कुछ करने लग जाएँ फ़ोन पर चले जाएँ तो जब मैं लास्ट डे था जब मैं वो शूट करने वाला था तो मुझे लगा मैं कृष्णा पंडित हूँ जो इस इसमें बीता है जो हमारे इतिहास है जो इसने जाना है इतनी मेहनत की क्योंकि जो जो लाइन में बोल रहा हूँ उसका मैंने रिसर्च किया अगर आप देखें तो जो मैं बोल रहा हूँ मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को तो मैंने कोई उनका वाक नहीं छोड़ा मैं उनका हेडफोन लगा के हमेशा सुनता रहा और रुकने का मन नहीं करता था मैंने देखा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को तो मैंने जितनी भी हिस्ट्री में उनके जो उनके बारे में लिखा गया है जो उन्होंने पराक्रम दिखाया इतने महान राजा थे तो वो मैंने सब पढ़ा क्योंकि मुझे यहाँ से बोलना था अगर मैं ही कन्विंस्ड नहीं हूँ तो ऑडियंस को कैसे करूँगा तो इसीलिए सिर्फ मैंने उस वक्त वहाँ गया और दिल से बोला और वो ओवेशन तो वहीं मिला होगा आपको इतने सारे लोग जो बैठे थे ये सर का बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि मुझे गूज बम्स आ रहे हैं <laughs> कि विवेक जी ने कहा था कि जूनियर आर्टिस्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और उसे रिएक्शन लेना बहुत मुश्किल होता बिल्कुल तो वो बोले कि पहली बार इतिहास में मैं जो जो उनके करियर में जो उन्होंने देखा बोला कि जहाँ जहाँ जो जो रिएक्शन चाहिए था वो मिला और वो लोग वैसे ही जेन्यनली genuine. सुन रहे थे और वैसे ही क्लैप्स मिली वैसे ही वो प्रॉपर रिएक्शंस मिले तो वह मैं वन टेक में कर पाया वो और सर बहुत खुश हुआ अनबिलीवेबल पच्चीस मिनट का डायलॉग है जी जो जोटीटी पर पच्चीस मिनट आएगा मतलब इट्स अनबिलीवेबल योर लाइफ चेंज नाउ थैंक यू सो बट फर्क बस ये है कि अब क्या अलग करने कुछ तो अलग करना पड़ेगा बिल्कुल लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या है स्टार्डम है वो या एक अलग चीज है यहां से अब क्या कई बार क्या होता है यहां से ये भी गलती कर जाते हैं बहुत केयरफुली सोच सोच के अब करने लग जाओगे जी. नो नो अब जो इतनी आसानी से मैं साइन करता अब नहीं करना चाहिए अब कपड़े अगर मैं ऐसे पहन रहा था शायद ऐसे नहीं करना चाहिए अब डाइट पर ज्यादा ध्यान तो इन सब उलझनों से कैसे निकलोगे आप ये फोकस मैंने शुरू से ही रखा कि मेरा मैंने एक चीज़ जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं स्क्रिप्ट को पढ़ते वक्त सिर्फ एज ए ऑडियंस पढ़ता हूं मैं कुछ अपना दिमाग नहीं लगाता ना ही मैं अपने कैरेक्टर पर फोकस करता हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं देखता हूं पूरी फिल्म कैसी है और मैं वन गो में पढ़ता हूँ कभी मैं ब्रेक नहीं लेता मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता एक कॉफ़ी का मग होता है और मैं होता हूँ और पूरी पढ़ता हूँ पूरी फिल्म को देखता हूँ उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि ये यहाँ छुई या नहीं छुई अगर ये यहाँ छूगी तो ऑडियंस को भी छूएगी तो मेरी कोशिश वही रहेगी और चीज़ों पे मैं यकीन नहीं करता <laughs> कि ठीक है जो वो तो जो डेवलप होना होगा वो चीज़ें हो जाएंगी और मेन क्या है ये शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है नहीं नहीं 100 परसेंट इस, इस फिल्म में एक्चुअली जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था दुआएं बहुत हैं जी डर लगा था क्या लेकिन कि कुछ एडवर्स रिएक्शंस आएंगे इस पिक्चर को देख के लोगों का बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा एक्चुअली जब मैंने पढ़ा और जो वो वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि हम सबसे पहले इंसान हैं, हम चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो है तो वो पहले इंसान ही और हम सबके पास इमोशंस हैं तो मुझे लगा ये सच्चाई सब लोग जानना चाहेंगे और जब सच्चाई आएगी तो इमोशनल भी होंगे और वही हो रहा है ट्रेलर देखने के बाद भी पूरा वर्ल्ड इवन इंडिया तो स... लोग इमोशनल थे ही पाकिस्तानी अमेरिकन्स uh, यूरोपियंस वो रो रहे थे और फिल्म देखने के बाद भी वही हो रहा है और अभी मुझे हिंदू मेरे दोस्त हुए मुसलमान हुए सिख हुए ईसाई हुए सब मुझे कॉल कर रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं ऐसी फिल्म करने के लिए तो हम सब सबसे पहले इंसान हैं और ये फिल्म जोड़ रही है लोगों को और जोड़ना भी चाहिए एक्चुअली इफ यू एक्चुअली सी द रियल लाइफ एंड नॉट रियल दैट इज इवन मोर हॉरिफिक बाई द वे ये तो उतना तो दिखा नहीं पाए ये फिल्म दैट वोड जस्ट बीन टू मच यू हैव चेंज द वे सिनेमा राम वर्मा सर का ट्वीट द कश्मीर फाइल्स एंड गिवन एट रीबर्थ बड़े बड़े ये जो है, जो हैं बैटल और ये आई थिंक विवेक अग्निहोत्री की एक अलग फाइट थी बिगेस्ट नेम्स इन बॉलीवुड बीन आउट ऑफ सिस्टम आर नाउ एक रीबर्थ हुआ है जहां ऑडियंस इज द किंग जहां ऑडियंस ही डिसाइड करेगी किस टाइप का थिएटर आएगा पहले भी ऐसे बोला जाता था लेकिन ऐसा होता नहीं था क्योंकि शायद एक कश्मीर फाइल्स को उतने स्क्रीन ही नहीं मिलते थे मैं आपको बताता हूं तो, अक्षय राठी डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बताया था फर्स्ट डे आपको साढ़े चार सौ स्क्रीन मिले है दूसरे दिन ये बारह हो गया था संडे तक अठारह मंडे को दो हजार फ्राइडे को चार और अब सुनने में आए छह स्क्रीन जी आपको डर ये नहीं है कि बाकी सारे फिल्म छ इतनी ज्यादा स्क्रीन काउंट आज तक इतिहास में कोई भी फिल्म को नहीं मिली है इंक्लूडिंग बाहुबली टू सो नाउ माय क्वेश्चन इज बेस्ट बिफोर आई फिनिश आपको डर नहीं है बाकी सारे एक्टर्स की जलेसी ज्यादा हो जाएगी यार ये क्या बकवास है सारी फिल्म में हमारी बंद करा दी तो आप जैसे होता था ना पहले क्रिसमस के लिए टू वीक का फ्री रन फॉर अ फिल्म व्हाट इज द मूड इन द कैंप ऑफ द कश्मीर फाइल्स एक्चुअली हर इंसान हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं और हमने फिल्म जब हमारी रिलीज हो रही थी कि राधे शाम के साथ आ रही है इतने बड़े स्टार के सामने और इतनी बड़ी फिल्म हमारी तो बहुत छोटी फिल्म थी

b 4 Entertainment, the YouTube channel is where it's all at. And keep your uh, views out there, keep the comments out there. It's always great. Like I said, there is no agenda ever. It's always about art. And sometimes art gives the right emotions, it evokes all the emotions. Just, you know, films is all about that. It's all about emotion. See you soon.